तो कैसे आप लोग, आप लोगों के लिए आज एक बेहतरीन वीडियो लेके आ चुके हैं अपने इस छोटे से YouTube चैनल हर शनि ब्लॉग में। तो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आज हम दीपिका पादुकोण का लाइफ स्टाइलिंग वीडियो लेके आ चुके हैं अपने इस छोटे से YouTube चैनल में। तो गाइस दीपिका पादुकोण के बारे में आपको नहीं पता तो हमारे साथ जुड़े रहे हमारे इस वीडियो में। तो गाइस शुरू करते हैं दीपिका पादुकोण का लाइफ स्टाइलिंग। बात कर लेते हैं इनके बायोग्राफी के बारे में। तो दीपिका का रियल नेम है दीपिका प्रकाश पादुकोण, निक नेम दीपिका। दीपिका प्रोफेशन से एक्ट्रेस, मॉडल और एक एंटरप्रेन्योर है। और इनका जन्म 5 जनवरी 1986 में हुआ, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। 2024 के हिसाब से 38 ईयर्स ओल्ड की पूरी हो चुकी हैं। दीपिका इंडियन और हिंदू है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दीपिका के जोडक्शन की, तो वो है कैप्रिकॉर्न। अब बात करें इनकी स्कूलिंग पढ़ाई की, तो इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई देख सकते हैं, सोफा हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करी जो कि बेंगलोर में था। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु से पूरी करी। उसके बाद इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जिसका नाम था IGNOU। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद इन्होंने एक्टिंग लाइफ में जाने का सोचा। फिर ये एक्टिंग लाइफ में धीरे धीरे जाने लगे और धीरे धीरे इनको फिल्म में भी मिलने लगी। लेकिन उससे पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है, वो हम आपको अपनी आगे वीडियो में बताएंगे। तो गाइस इनके फादर साहब जो थे वो एक बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो दीपिका पादुकोण को भी एक एथलीट बनाना चाहते थे। लेकिन दीपिका पादुकोण 10th स्टैंडर्ड तक को इनके साथ खेलती गई और स्टेट लेवल तक खेल चुकी थी। 10th स्टैंडर्ड के बाद इन्होंने अपना मत बदल लिया। फिर इन्होंने सोचा कि मैं एक एक्टिंग लाइफ में जाऊँगी। पहले ही जब इन्होंने एक्टिंग में डेब्यू किया, जब वो करी इन्होंने फर्स्ट टाइम, तब से इन्होंने सोच लिया कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी। और इन्होंने ये कर भी दिखाया और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बैक टू बैक सुपर हिट फिल्म देती गई है हमको और अवार्ड लेती गई इस दुनिया से और बहुत सारा प्यार भी देती गई। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बता देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। दीपिका ने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इंग्लिश, तमिल, तेलुगु हर फिल्म में अपना योगदान दिया है। हर फिल्म में जाके इन्होंने अपनी एक ना एक फिल्में जरूर बनाई है। अब बात करें बॉलीवुड फिल्म करियर की, तो 2007 में आई ओम शांति ओम फिल्म में इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया था। उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा पहचान मिली और भी फिल्म ऑफर हुई। उसके अगले साल ही 2007 में इनको उस फिल्म के लिए एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। उस फिल्म का नाम है ओम शांति ओम, जिसके पीछे ये अवार्ड मिला हुआ है इनको। इसके बाद इनको बैक टू बैक अवार्ड्स मिलते गए, अगली अगली फिल्म आती गई और ये ऐसी पॉपुलर धीरे धीरे होती गई। फिर गाइस इनको ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी रामलीला फिल्म में काम करने का मौका मिला। उसके बाद इनको 2014 में रामलीला के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। और रामलीला फिल्म आपको कैसी लगती है लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। और वो फिल्मों के लिए भी इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। अब बात करें इनके फैमिली के बारे में, इनके फादर का नाम देख सकते हैं प्रकाश पादुकोण और मदर का नाम उज्ज्वला पादुकोण। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी सिस्टर है अंशिका। और भी आप देख सकते हैं इनके हस्बैंड के बारे में, इनके हस्बैंड का नाम है रणवीर सिंह जो कि एक एक्टर हैं। इनके साथ इनकी शादी हुई थी, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, आपको कैसे लगते हैं रणवीर सिंह बता देना। कार कलेक्शन की बात कर लेते हैं अब दीपिका पादुकोण के। दीपिका पादुकोण के पास बहुत सी लग्जरियस गाड़ियां हैं, उनमें से कुछ गाड़ी के नाम चुन के लाए हैं। ओटी की ये वाली गाड़ी कितनी लग्जरियस है, ओटी की एक और गाड़ी, और इस गाड़ी का नाम क्या है हमें ज़रूर कमेंट करके बता देना। और BMW की ये वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, मर्सिडीज़ की गाड़ी भी है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और इस रेंज रोवर की क्या ही बात करनी, इनका प्राइस इन्होंने अभी तक हमें नहीं बताया। मर्सिडीज़ की ये वाली गाड़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत, और ये देख सकते हैं इस गाड़ी का नाम क्या है कमेंट करके जरूर बताना है, ओटी की ये वाली गाड़ी। अब बात करें इनके मनी फैक्टर के बारे में, मनी फैक्टर का क्या कहना है, ये बहुत से चार्ज करती है, एक फिल्म के 20 करोड़ रुपये चार्ज करती है। अब बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, 2024 के हिसाब से इनका नेटवर्थ 160 करोड़ से भी अप्रोक्स हो चुका है। गाइज आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। और गाइज हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लेना और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।